हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे आपका ऐसी बैंक क्लासेस में स्वागत है जैसा कि हम बैंकिंग अवेयरनेस कर रहे थे हमने इससे पहले एक वीडियो की है अपनी जिसमें हमने पढ़ा है कि बैंकिंग क्या होता है और बैंक क्या होता है इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इंडिया की हमने पढ़ी थी उसके बाद में हम अर्लियर फेज ऑफ इंडियन बैंक पढ़ा था और उसके बाद में टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़ा था और उसके बाद में हमने आर के बारे में जाना था आज उससे आगे हम पढ़ेंगे आर की क्या फंक्शन है और क्या सब्सिडरी है सब चीज बाकी हम आज की वाली वीडियो में पढ़ेंगे तो चलो ज्यादा वक्त ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी बैंकिंग अवेयरनेस की आगे की कहानी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई करेंगे आज हम तो स्टार्ट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज मैनेज बाई देंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमारे रिजर्व बैंक है वो मैनेज किया जाता है सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर्स के द्वारा प्रेजेंटली दिस बोर्ड कंसिस्ट ट्वेंटी वन मेंबर अभी जो इस बोर्ड के ट्वेंटी वन मेंबर है बीसाइड गवर्नर एंड फोर डिप्टी गवर्नर्स चार डिप्टी गवर्नर फोर डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड जो फोर डायरेक्टर्स है वो आर नॉमिनेटेड ईच बाई फोर लोकल बोर्ड बिसाइड्स टेन डायरेक्टर्स एंड टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यह अभी बताया गया है इसके ट्वेंटी में बारे में दिस बोर्ड हैव बीन स्टेब्लिश्ड इन मुंबई मुंबई कोलकाता चेन्नई न्यू दिल्ली रिस्पेक्टिवली तो ये जो बोर्ड है ये मुंबई कोलकाता चेन्नई और न्यू दिल्ली में स्टेब्लिश है तो हमने पढ़ा कि ये कहां का ये जो बोर्ड है ये कहां का स्टेब्लिश है मुंबई में कोलकाता में चेन्नई में और न्यू दिल्ली में गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पीरियड ऑफ थ्री ईयर जो हमारा जो गवर्नर होता है जो आरबीआई का जो अपॉइंट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा तीन साल के लिए अपॉइंट होता है कितने ईयर के लिए फॉर थ्री ईयर इट इज यूज टू फाइव ईयर बट सिंस रघुराम जी राजन इज हैज इट हैज बीन फिक्सड एट फिक्सड एट थ्री ईयरस जो रघुराम राजन है वो तीन साल के लिए फिक्स किया गया था आरबीआई हैज ऑफिस एट थर्टी वन लोकेशन जो आरबीआई है उसके जो ऑफिस हैं वो थर्टी वन लोकेशन पे हैं ट्वेंटी सेवन रीजनल एंड फोर सब ऑफिस जो सताइस जो ऑफिस है वो रीजनल है. है, है और जो चार हैं वो सब ऑफिस है मोस्ट ऑफ विच आर इन स्टेट कैपिटल्स जो ज्यादातर हैं वो स्टेट कैपिटल्स में हैं द फाइनेंशियल ईयर ऑफ आर बी आई इज फ्रॉम वन जुलाई टू थर्टीन थर्टी जून एक जुलाई से थर्टी जून तक जो आर बी आई का वो फाइनेंशियल ईयर चलता है एंड द एनुअल रिपोर्ट इज रिलीज इन अगस्त इच ईयर और जो एनअल रिपोर्ट होती है वह अगस्त में रिलीज होती है प्रत्येक हर साल आर बी आई इज वोली बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आरबीआई है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरसीज द रिजर्व बैंक बिजनेस और जो सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर हैं वही देख रेख करते हैं हमारी जो रिजर्व बैंक के बिजनेस के जो बिजनेस होता है उसी को देखरेख करने के लिए हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड द सेंट्रल बोर्ड हैज प्राइमरी अथॉरिटी फॉर दरसाइट ऑफ रिजर्व बैंक जो प्राइमरी अथॉरिटी होती है उसको देखरेख करने की रिजर्व बैंक की इट डेलीगेट स्पेसिफिक फंक्शन थ्रू इट्स कमेटी एंड सब कमेटीज इट इंक्लूड द गवर्नर डिप्टी गवर्नर एंड फ्यू डायरेक्टर्स ऑफ रिलीवेंट लोकल बोर्ड तो इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है गवर्नर डिप्टी गवर्नर और फ्यू डायरेक्टर्स बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन जो बोर्ड होता है फाइनेंशियल सुपरविजन के लिए इट रेगुलेट्स जो वो रेगुलेट्स करता है एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है और सुपरवाइज करता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल फाइनेंस को कंपनीज एनबीएफ जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी अर्बन को बैंक एंड प्राइमरी डीलर्स तो ये चीज जो बोर्ड ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल सुपरविजन है ये ये चीज संभालता है आगे पढ़ते हैं हम बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इट रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम यह जो बोर्ड होता है ये सुपरवाइज करता है और रेगुलेट करता है पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को सब कमेटीज ऑफ देंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक की सब कमेटीज के बारे में हम पढ़ेंगे कौन सी कौन सी है इट इंक्लूड दो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट स्टाफ बट बिल्डिंग फोकस ऑफ इच्छ सब कमेटी इज ऑन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ ऑपरेशन इट्स इंपॉर्टेंट सब्सिडरी इंस्टीट्यूशन आर एज फॉलो नीचे दिए गए हैं अभी आपको दिखाते हैं इसके कौन से कौन से इंस्टीट्यूट है सबसे पहले हमें दिया गया है रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या करता है आरबीआई फंडेड इंस्टीट्यूशन टू एडवांस ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग इश्यूज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैंकिंग टेक्नोलॉजी सच एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट एन एट पुणे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च आई एट मुंबई इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी आई एट हैदराबाद जो एन है वो है पुणे में जो आई डी आर है वो है मुंबई में और जो आई डी वो है वो हैदराबाद के अंदर सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई आरबीआई की सब्सिडीज के बारे में हम पढ़ेंगे द फुली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई फॉलो सबसे पहले है नेशनल हाउसिंग बैंक एन एच बी इट वॉज इस्टैब्लिस्ड इन नाइनटीन ये 1969 के अंदर हुई थी एंड एज ए सब्सिडरी और जो सब्सिडरी के तौर पे सेटअप हुई थी जुलाई नाइनटीन जुलाई 1988 के अंदर नाइन्थ जुलाई 1888 के अंदर ये आरबीआई की सब्सिडरी बनी थी अंडर हाउसिंग बैंक एक्ट नाइनटीन टू एक्ट एज एन अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ फॉर हाउसिंग और यह एक अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन है हाउसिंग के लिए तो पहली जो सब्सिडी है वो आरबीआई की वो हो गई नेशनल हाउसिंग बैंक एन एच बी सेकेंड डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डी आई सी जी सी इट वॉज इस्टेब्लिश अंडर दी आई सी जी सी एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन एंड ए व्यू टू इंटीग्रेशन द फंक्शन ऑफ डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कारपोरेशन इट वॉज कम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन फिफ्टींथ जुलाई नाइनटीन सेवनटी एट जो एक्ट था वो नाइनटीन सिक्सटी वन था और जो एग्जिस्टेंस में आई थी वो फिफ्टींथ जुलाई नाइनटीन सेवनटी एट के अंदर आई थी तो हमने सेकेंड सब्सिडरी पढ़ी है जो है डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया थर्ड सब्सिडरी है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा मुद्रन प्राइवेट लिमिटेड बी आर बी एन एम पी एल बी आर बी एन एम पी एल इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई आरबीआई इन फरवरी नाइनटीन नाइन्टी फाइव टू ऑर्गुमेंट द प्रोडक्शन ऑफ बैंक नोट इन इंडिया एंड टू इनेबल ब्रिजिंग ऑफ द गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड फॉर बैंक नोट इन कंट्री तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है ये ताकि हम जो सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई है उसके बीच का जो गैप है उसको कम कर सके इसीलिए ये जो सब्सिडरी बनाई गई थी भारत के अंदर तो हमारी जो फोर्थ सब्सिडरी है वो है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड आरई बी आई टी दिस वॉज सेटअप बाई आरबीआई फॉर इट्स आई टी एंड साइबर सिक्योरिटी ये जो आरबीआई के द्वारा जो बनाई गई थी ये आईटी और साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी नीड्स एंड टू इंश्योर साइबर रेसिलियंस ऑफ इंडियन बैंकिंग आरबीआई के गवर्नर आपके सामने हैं तो आरबीआई का जो सबसे फर्स्ट गवर्नर था वो था सर ओसब्रॉन स्मिथ सर ओसब्रॉन स्मिथ जिसका टर्नओवर ओवर टेनर था एक अप्रैल 1935 टू 30 जून 1937 तो इसका जो टर्न टेनर था वो 1935 से 1937 तक था ये ब्रिटिश था अपने भारत का नहीं था उसके बाद में सर जेम्स टेलर जो कि 1937 से 1943 उसके बाद सर सी डी देशमुख ये पहले भारतीय थे जो आरबीआई के गवर्नर बने थे सी डी देशमुख ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है आप लोग इसे याद कर लेना सी डी देशमुख हमारे जो फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के गवर्नर बने थे जिनका जो टर्न आउट टेनओ था वो 1943 टू तो 1949 तक था 1943 टू तो 1949 तक था उसके बाद में सर बेनीगल रामा राव बने 1949 से 1957 तक उसके बाद में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने जो हमारे फिफ्टींथ गवर्नर बने थे वो हमारे बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री भी बने 1982 टू टू नाइनटीन तीन साल का टर्नर था लगभग इनका उसके बाद में एक होश बने थे ट्वेंटी फोर्थ जो ट्वेंटी थर्ड थे रघुराम राजन जो दो हजार तेरह से दो हजार सोलह तक थे बी आई के जो गवर्नर दो हजार जो से दो हजार 2018 तक थे और अभी शक्तिकांत दास जी हैं शक्तिकांत दास जी हमारे ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर हैं आरबीआई के ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि ट्वेंटी फोर्थ गवर्नर है ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर ट्वेंटी सिक्स गवर्नर है शक्तिकांत दास जी हमारे आरबीआई के ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर हैं और वो बारह दिसंबर दो हजार अठारह से अभी तक बने हुए हैं शक्तिकांत दास जी हमारे आरबीआई के ट्वेंटी फिफ्थ गवर्नर हैं जो कि अभी बने हुए हैं आगे की जैसे जो भी बच्चे बाद में पढ़ेंगे इस वीडियो को तो उस टाइम आप गवर्नर चेक कर लेना शक्तिकांत दास जी हैं या फिर बदल गए फंक्शंस ऑफ आरबीआई आरबीआई के फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं हम वर्किंग ऑफ बैंक इज मैंशन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो वर्किंग ऑफ बैंक होता है वो मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक्ट 1934 एक्ट 1934 के अंदर वर्किंग ऑफ बैंक मेंशन होता है एंड द वर्किंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग ग्रुप और जो वर्किंग ऑफ जो रिजर्व बैंक है इंडिया का वो कैटेगराइज होता है इस फॉलोइंग ग्रुप्स के अंदर तो सबसे पहले हमारे पास है डेवलपमेंट फंक्शन जो फंक्शन है सबसे पहला वो है डेवलपमेंट फंक्शन दीज फंक्शन आर कंट्री स्पेसिफिक फंक्शन एंड कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री द आरबीआई हैज बीन परफॉर्मिंग एज ए प्रमोटर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम सिंस इट्स इंसेप्शन सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ दी आरबीआई आर मेट बिलो जो मेन फंक्शन है आरबीआई के वो नीचे दिए गए हैं अभी आपके सामने मेन फंक्शन दिखाते हैं ये फंक्शन है आपके सामने जो फर्स्ट फंक्शन है वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है उसका डेवलपमेंट उसके बाद में प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस है उसका प्रमोशन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट थ्रो री और जो एक्सपोर्ट थ्रो रीफाइनेंस है उसका भी प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट रिजर्व जो डेवलपमेंट किस चीज का बिल मार्केट रिजर्व का डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम जो बैंकिंग सिस्टम उसका डेवलपमेंट और उसका रेगुलेशन और लास्ट है हमारा ट्रेडिशनल फंक्शंस जो ट्रेडिशनल फंक्शन है वो भी फंक्शन है आरबीआई का जनरल बैंकिंग फंक्शन जो जर्नल बैंकिंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं रिजर्व बैंक इज नॉट ए कमर्शियल बैंक देंट्रल बैंक इट परल बैंकिंग फंक्शन है पहला है टू असप्ट डिपोजिट ये जर्नल बैंक के फंक्शन है जो कि जर्नल बैंक करता है वो असेप्ट करता है डिपोजिट्स को टू डील इन बिल्स बिल्स के अंदर डील करता है लैंडिंग ऑफ मनी मनी को उधार पे देता है टू डील इन एग्रीकल्चरल बिल एग्रीकल्चर बिल में एग्रीकल्चर बिल में डील करता है टू डील इन फॉरेन सिक्योरिटीज फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर डील करता है टेकिंग ऑफ लोन्स लोन्स लेने में टू डील इन कॉस्टली मेटल टू डील विद द बैंक ऑफ अदर कंट्रीज तो ये जो फंक्शंस हैं ये एक नॉर्मल जर्नल बैंक के फंक्शंस हैं जर्नल बैंक के फंक्शंस हैं ये जो एक जर्नल बैंक परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन जो सेंट्रल बैंक होता है उनके जो फंक्शन है रिजर्व बैंक इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ही सेंट्रल बैंक है इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन आर एज फॉलो इंश्योरेंस ऑफ पेपर करेंसी इशुएंस सॉरी इंश्योरेंस नहीं इशुएंस ऑफ पेपर करेंसी जो पेपर करेंसी होता है उसको इश्यू करना द इंडियन करेंसी सिस्टम बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट बैंकर ऑफ द बैंक एंड लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट मिनिमम रिजर्व सिस्टम एम आर एस तो ये सारे जो सेंट्रल बैंक है हमारे रिजर्व बैंक के भी यही फंक्शन है आर बी आई कॉन्टीन्यूड टू सर्व एज देंट्रल बैंक टू बुरमा म्यांमार अंटिल जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ म्यांमार इन अप्रैल नाइनटीन फोर्टी सेवन रबीआई कॉन्टीन्यूड टू सर्व एट सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून नाइनटीन फोर्टी एट टिल जून नाइनटीन फोर्टी एट अदर फंक्शंस कुछ और भी फंक्शंस हैं बिसाइड द अबोव स्टेटेड स्पेसिफिक फंक्शन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म द फॉलोइंग अदर फंक्शंस एक्सपोर्ट असिस्टेंस क्लियरिंग हाउस फंक्शंस चेंज ऑफ करेंसी ट्रांसफर ऑफ करेंसी ये जो अदर फंक्शंस ये चार फंक्शंस दिए गए हैं इस पेज पे एक्सपोर्ट असिस्टेंस क्लियरिंग हाउस फंक्शंस चेंज ऑफ करेंसी ट्रांसफर ऑफ करेंसी इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो एक तरफ एज ए सेंट्रल बैंक है दूसरी तरफ है एज एन ऑर्डिनरी बैंक तो नोट इशूइंग अथॉरिटी इसके बाद नोट नोट इशूइंग एथोरिटी होती है ग्रांटिंग शॉर्ट टर्म लोन्स जिसको लोन्स मिलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट कवरिंग शॉर्ट टर्म लोन्स बैंकर बैंक बाइंग सेलिंग ऑफ बिल्स कलेक्ट एंड पब्लिश बैंकिंग डाटा असेप्टिंग डिपॉजिट कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल बिल provision of agriculture credit dealing with the foreign securities provision of industrial credit dealing with costly metals training facility uh, facili facilitation dealing with banks of other countries controller of credit कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्लियरिंग हाउस फंक्शंस ये शायद आपने देखा नहीं तब ट्रेनिंग फैसिलिटीज फैसिलिटेशन ये था डीलिंग विद बैंक ऑफ अदर कंट्रीज प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट डीलिंग विद कॉस्टली मेटल्स ये सारे जो फंक्शंस थे एज ए सेंट्रल बैंक एंड एज ए एन ऑर्डिनरी बैंक तो अब हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम दबो अबोव फंक्शक्शन द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ आर बी आई इज अ रेगुलेटरी फंक्शन जो रेगुलेटरी फंक्शन है वो एक इनसे अलग फंक्शन है विच कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड मैंटेन द इंडियन इकोनॉमी जो कि क्या करता है इन्फ्लेशन Infl महंगाई को कंट्रोल करता है और जो मैंटेन करता है इंडियन इकोनॉमी को इट इज डिस्कस्ड हेयर अभी डिस्कस किया गया है आगे रेगुलेटरी फंक्शन जो रेगुलेटरी फंक्शन है उसके बारे में बताया गया है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इन द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्वांटिटेटिव एंड क्वाली क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मींस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ क्रेडिट द की एम ऑफ द मोनिटरी रेगुलेशन इज टू अचीव दफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेक्स अस मेक्स यूज ऑफ ऑल दो मैथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल दैट आर अडोप्टिड बाई अदर सेंट्रल बैंक्स ऑफ दर्ल्ड दिस मैथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ आरबीआई मोनिट्री पॉलिसी विच इज डिस्कस्ड फर्दर ये जो अभी बताया गया है कि रेगुलेशन फंक्शन होता है कि कैसे हमें कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन और जो इंडियन इकोनोमी को मेंटेन करना है क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों प्रकार से उसके बाद में बताया गया कि कैसे जो हमारा रेगुलेटरी फंक्शन काम करता है वो पॉलिसीज कुछ मॉनेटरी पॉलिसी पे काम करता है वो वैसे ही काम करता है जैसे दुनिया के और दूसरे जो बैंक है वो काम करते हैं आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ंडर द कंट्रोल ऑफ देंट्रल बैंक टू रेगुलेट मैग्नीट्यूड सच एज इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट विद्यू ऑफ अचीविंग द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी सबसे पहले है जो गोल्स ऑफ द मोनेटरी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी के क्या क्या गोल्स है जो पहला गोल है वो है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मोनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन माइंड दिवस ऑफ ग्रोथ ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो बनाए रखना सबसे पहला जो गोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा इन मई 2016, थाउजेंड सिक्सटीन आरबीआई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड अ स्टेट्यूरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैक्सीबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो मई 2016 में जो एक एक्ट था 1934 आरबीआई एक्ट उसमें अमेंडमेंट हुई थी अमेंडेड हुआ था उसे प्रोवाइड किया था स्टेटरी बेस स्टेट्यूटरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लैक्सीबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क दी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी होती है उसका जो फ्रेमवर्क कंपनेंगे दी अमेंडेड एक्ट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड दी दिलटिव अमेंडमेंट टू रिजर्व बैंक टू ऑपरेट दी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ दी कंट्री सेकंड जो फ्रेमवर्क है वो है इट एम्स एट सेटिंग ऑफ द पॉलिसी रेपो रेट बेस्ड ऑन एन असेसमेंट ऑफ करंट एंड एवलोपिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एंड मॉड्युलेशन ऑफ लिक्विडिटी कंडीशन्स टूर एंचोर मनी मार्केट रेट एट और अराउंड रेपो रेट उसके बाद में हमें दिया गया है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो मॉनिटरी पॉलिसी की कमेटी होती है वो क्या होती है सेक्शन 45 जेड बी ऑफ द एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 ऑल्सो प्रोवाइड फॉर एन एम्पावर्ड सिक्स मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी छह मेंबर की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसके अंदर टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल बनाई जाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है जो अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेप्टेंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन कॉन्स्टिट्यूटेड दी एम पी सी एज फॉलो जो फर्स्ट था वो गवर्नर ऑफ आरबीआई चेयरपर्सन जिसे हम कहते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई सेकेंड था डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई इंचार्ज ऑफ मोनिट्री पॉलिसी जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई का वो इंचार्ज होता है मोनिटरी पॉलिसी का चेयरपर्सन होता है गवर्नर ऑफ आरबीआई थर्ड वन ऑफिसर ऑफ द आरबीआई आरबीआई का एक ऑफिसर टू बी टेड बाई सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड के द्वारा जो नॉमिनेटेड होता है तो तीन हमने पढ़े अब उसके बाद में है प्रोफेसर चेतन गाते, चेतल गाते जो कि इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट प्रोफेसर है पामी दुआ जो डायरेक्टर है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और सिक्स्थ है प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्रा एच डोलकिया जो आई एम आई आई एम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं, तो अभी ये छह बंदे हैं आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि कोई बदला है या नहीं बदला इनमें से नोट मेंबर ऑफ रेफर्ड टू एट फोर टू सिक्स अबउ जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स है विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर सिर्फ चार साल के लिए ये जो ऑफिस का पीरियड होल्ड करते हैं एम पी सी डेटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एम पी सी वॉज हेल्ड ऑन थर्ड अक्टूबर टू फोर्थ अक्टूबर टू थाउजेंड सिक्सटीन एम पी सी इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट फोर टाइम्स इन अ ईयर विद फोर मेंबर्स क्वारम एक साल में चार बार मिलते हैं तो इसका मतलब हर तीन महीने में अभी तो दो महीने में, में बैठने लगी है शायद मॉनेटरी पॉलिसी चेक करती है उसके बाद में हमें दिया गया आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट असिस्ट दी एमपीसी इन फॉर्मुलेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी द फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट एफ एमओडी ऑपरेशनलाइज द मनी पॉलिसी मेनली थ्रो डे टू डे लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है द फाइनेंशियल मार्केट कमेटी एफ एम सी मीट्स डेली टू रिवाइव रिवाइव लिक्विडिटी कंडीशन सो एज टू एंश्योर ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ दब्लू ए सी आर वेटेड एवरेज कोल मनी रेट डब्लू ए सी आर हमने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ लिया है आज के लिए इतना ही करते हैं आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे फिर लिमिटेशन पढ़ेंगे आरबीआई की मिंट्स पढ़ेंगे आरबीआई की और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस ऑफ आरबीआई भी कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे यह सेकंड वीडियो है बैंकिंग अवेयरनेस की फर्स्ट वीडियो आपको मिल चुकी है जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देख लें ताकि जो आपको इससे जो पहले का पोर्शन है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग बैंक और बैंकिंग में क्या डिफरेंस है क्या होता है बैंकिंग उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ओके बाय